मुझे ये लगता है कि वी विल द न्यू जनरेशन, जैसे एक 20th सेंचुरी के शुरुआत में एक चीज़ चालू हुई थी जिसे हम कहते हैं एज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और पूरे विश्व का भविष्य, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 थी, चाहे वर्ल्ड वॉर 2 थी, और इनके इसके बीच में और उसके बाद होने वाले जो विकास के दौर आए उसमें जो ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन थी या ग्लोबल रीच थी, वो इस पूरे सिविलाइजेशन को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट था। मुझे लगता है डिजिटल मीडिया का रोल, दिस इज़ गोइंग टू बी द सेंचुरी ऑफ द डिजिटल मीडिया। एजुकेशन के मायने बदल जाएंगे। मुझे किताब में क्या पढ़ा है वो कहीं भी याद रखने की ज़रूरत नहीं, मुझे ये जानकारी होना ज़रूरी है कि मैं कोई चीज़ की जानकारी किस भरोसेमंद सोर्स से प्राप्त कर सकता हूँ। ह्यूमन माइंड को ट्रेन होना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसको ग्रैस्प करके, एनालाइज करके, उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसको जिसे हम कहते हैं अप्लाई करने के लिए। अप्लाइड साइंस का युग होगा, और अप्लाइड साइंस के लिए अब आदमी को थ्योरी बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं होगी, उसको उस एप्लीकेशन अवेलेबल थ्योरी को एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने की जो उसकी स्किल्स है उसको डिफाइन करना पड़ेगा, उसको रिफाइन करना पड़ेगा। यही नया इन्वेंशन का दौर आएगा, यही नई ग्रोथ का दौर आएगा, यही नई कम्युनिकेशन का दौर आएगा, यही नई सोसाइटी के बिल्डिंग का दौर आएगा। अब आदमी प्लेइंग फील्ड पे कर्म जाता है, बच्चा वीडियो गेम्स खेलता है, वो ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है जिनको वो जानता नहीं है, क्योंकि उसके विचार मिलते हैं, व्यक्तिगत तौर पे जानना अब जरूरी नहीं रहा। जैसे हम एक जमाने में गाँव में या छोटे शहरों में फिजिकल चौपाल हुआ करती थी, अब एक इंटरनेट चौपाल जैसा हो गया माहौल। जो ट्रेडिशनल एंकर्स हैं, जो ट्रेडिशनल शो होस्ट हैं, उनका रोल कम हो जाएगा। गूगल हैंगआउट से या इस तरह की अन्य आने वाली प्रॉपर्टीज में आदमी खुद मिलकर अपना एक शो बना लेगा जिसमें खुद ही आपस में होस्ट या एंकर हो जाएंगे या बिना एंकर के हो जाएंगे। तो लिमिटलेस पोटेंशियल है इसमें, ना कोई कास्ट है, ना कोई क्रीड है, ना जेंडर है, ना कोई कलर है, ना कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं। विचार आपको शेयर करने के लिए एक, जिसे कहते हैं लिमिटलेस एंड बाउंड्रीलेस मीडियम मिल जाएगा। और आई थिंक अगले सोसाइटी के विकास में, आज हमें नहीं दिख रहा है बट मेरे ख्याल से इसके नतीजे जल्दी ही दिखने लग जाएंगे। कुछ सोसाइटीज़ में दिखने को मिला है उसका पॉजिटिव रिजल्ट, अभी तक बहुत आया ऐसा कह नहीं सकते, पर जो इजिप्ट में हुआ, साइप्रस में हुआ, लीबिया में हुआ, उसमें उस क्रांति में इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। अभी मुझे नहीं लगता सोसाइटी मेच्योर्ड है, क्योंकि अभी चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम नहीं है, तो वो भी आ जाएगा। और वेब दुनिया के जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है। चाहे आप हिंदी में देख रहे हैं, चाहे तमिल में देख रहे हैं, चाहे आप तेलुगु में देख रहे हैं, चाहे मलयालम में देख रहे हैं, आपका जो सपोर्ट है, और खुशी होती है कि कई ऐसे लोग जिन्होंने 1999 में हमें ईमेल भेजी थी वो आज भी हमें ईमेल भेजते हैं। 1999 की ईमेल्स के भी मेरे पास अभी तक फोल्डर्स बने हुए हैं, और उनमें से जो कई नामों को मैं देखता हूँ कि उनकी मेल्स आज भी फीडबैक के रूप में आती हैं, तो मुझे खुशी होती है कि वेब दुनिया की हमारी इंटरनल ताकत के अलावा एक बहुत बड़ी एक्सटर्नल ताकत है, और वो आप लोग हैं। आपकी संख्या निरंतर बनी रहे, बढ़ती रहे, बस यही मुझे उम्मीद है। और आपकी यदि हमसे कोई उम्मीद है तो ज़रूर एक ईमेल लिखें, हम कोशिश करेंगे उस पर खरे उतरें।